लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की फिल्म शुभ मंगलवार ज्यादा सावधान। आयुष्मान खुराना की फिल्म शुभ मंगलवार ज्यादा सावधान रिलीज हो गई है। ये फिल्म आयुष्मान खुराना की शुभ मंगलवार सावधान का सीक्वल है, जिसमें गैस स्टोरी को दिखाया गया है। शुभ मंगलवार ज्यादा सावधान का इंतजार सभी को था और अब जब ये फिल्म रिलीज हो गई है तो जनता ने इस पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया है। हालांकि एक बुरी खबर भी है। खबरों की माने तो दुबई और मिडिल ईस्ट के देशों में फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। दरअसल ये फिल्म समलैंगिकता पर आधारित है। इस फिल्म में आयुष्मान एक गए लड़के किरदार निभा रहे हैं, जो लड़के से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। फिल्म के प्लॉट की वजह से इसे दुबई और मिडिल ईस्ट के देशों में रिलीज नहीं किया गया है। फोटो सोशल मीडिया। फिल्म भूत द हॉन्टेड शिक देखकर डरने लगे लोग। शुक्रवार को बड़े पर्दे पर दो फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से एक विक्की कौशल स्टार है फिल्म भूत द हॉन्टेड शिप भी है। बता दें, ये फिल्म एक हॉरर फिल्म है। फिल्म का निर्देशन भानु प्रताप सिंह ने किया है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें विक्की कौशल लीड रोल में हैं। इसके अलावा एक ट्रेस भूमि पेडनेकर भी फिल्म में अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। बता दें, साल 2011 में मुंबई के जुहू बीच पर एक शिप आ गया था, जिसमें कोई भी जीवित इंसान मौजूद नहीं था। इस शिप का नाम सीबर्ड है, जिसे लेकर कई भूतिया कहानियां फेमस हैं। फोटो सोशल मीडिया। प्रशंसकों ने इम्तियाज से की लव आजकल दो से भी अच्छी फिल्म बनाने की मांग। फिल्मकार इम्तियाज अली की हालिया रिलीज फिल्म लव आजकल दो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जिसके चलते उनके प्रशंसक आजकल उनसे काफी नाराज हैं। और हाल ही में उनके द्वारा साझा किए गए किसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लोगों ने उनसे दोबारा अच्छी फिल्म बनाने की मांग कर डाली फोटो सोशल मीडिया। 44 साल की उम्र में दोबारा मां बनी शिल्पा शेट्टी। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा के घर एक नन्ही परी आई है। एक सूत्र ने INS से कहा कि उनकी बेटी का जन्म सेरोगेसी के माध्यम से हुआ है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम समीशा शेट्टी कुंद्रा रखा है। उत्साहित शिल्पा शेट्टी ने बताया कि समीशा का जन्म 15 फरवरी को हुआ। उन्होंने अपनी नन्ही बेटी को जूनियर SIS के का टैग दिया।